डॉक्टर राजेश, मतलब जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, सबसे पहले और सबसे इफेक्टिव जो फैसला लिया गया वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया। ऐसा लग रहा था, देखिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर बहुत खुश है, अच्छा हुआ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की कुछ तो इज्जत बच जाएगी। कुछ ऐसा है सर, बता दिए, इसको भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें, जनता समझ जाए चीज़ों को, ऐसा है या फिर बहुत ही वाकई बड़ी चिंता में आप लोग फंस गए थे कि कोरोना में अब क्या रैलियां की जाएं, क्या जनसभाएं की जाएं, बाकी लोग तो कर ही रहे थे, सबसे पहले आप ही लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया। बताइए सर, वैसे इनिशिएटिव अच्छा है, मैं तारीफ कर रहा हूँ इसकी। नहीं, मैं देखिए, हमारी पार्टी ने सबसे पहले माननीय प्रियंका गांधी जी ने अपना आत्मचिंतन किया, आत्ममंथन किया, और सबसे पहले हमें निर्देश दिया कि कोई भी फिक्र रैली हम नहीं करेंगे। हाँ। और जो भी होगा, रैली अगर होगी भी तो वर्चुअल रैली होगी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने इसकी शुरुआत करी। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खुश होगी, अभी यही कहा जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री जी पंजाब जा रहे थे, कांग्रेस खुश होगी। ऐसा नहीं है कि जो है कांग्रेस खुश होती है किसी बात से, ये देश सबका है, कांग्रेस पार्टी का भी है, सपा के लोगों का भी है, बीजेपी के लोगों का भी है। अगर कोई हमारी नेशनल कैलामिटी आ रही है तो वो सभी के लिए नुकसानदेह है। तो ये ऐसा कहना कि कांग्रेस खुश होगी किसी बात से कि इस देश को नुकसान है, बिल्कुल सरासर गलत है। इससे हम लोगों ने अभी भी विरोध किया, और आगे आपसे भी कहना चाहते हैं कि सभी जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी या और बीजेपी के लोग हैं, उनको आप चिंतन और आत्ममंथन करते हुए। चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, लेकिन मैं तो इसको अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चुनाव से पहले कोरोना का बढ़ना, तो कोरोना सिर्फ कोरोना नहीं रह गया, बल्कि कोरोना सियासी कोरोना हो गया, और इस सियासी कोरोना की जद में सभी पार्टियां आ चुकी हैं, और इसमें अलग तरह की मेहनत करनी होगी। अब जो मेहनत होगी ना, उसी पर सभी की नजर है। आम आदमी पार्टी